एवरीवन, क्या हालचाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी बच्चे अपने ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी कॉलेज में देखिए अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस कॉलेज में नहीं उस कॉलेज जाना चाहिए था ताकि मेरा फ्यूचर बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके या फिर आपको वहां पढ़ाया जा सके, अगर इस प्रकार अगर आपको अपने कॉलेज चेंज करना है तो कॉलेज चेंज करने का ट्रांसफर यानी जिसे हम ट्रांसफर कहते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले जान लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटीज तो चेंज होना मुश्किल है, लेकिन आप इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिस भी कॉलेज में आते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में देखिए बहुत सारा कॉलेज होता है। इन केस आप इन फ्यूचर में जो मोस्टली बॉयज है किसी काम करने की वजह से किसी बाहर मतलब मान के चलते हैं अपने घर से या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां से 20 या 30 किलोमीटर दूसरे कॉलेज पढ़ते हैं और वो कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अब आपको एग्जाम के दिन या फिर इंटरनल एग्जाम के दिन आपको रिटर्न आना पड़ेगा, 30 किलोमीटर का सफर लगातार थोड़ा दिक्कत ही होता है। तो अगर आपको ये कम करना होगा तो आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहिएगा। तो कॉलेज चेंज कैसे करके होगा, या फिर जो गर्ल्स होती है मोस्टली शादी के बाद उनको दूसरी जगह बेसिकली शिफ्ट होना पड़ता है। तो अगर आप में से गर्ल्स में भी जो बहुत होते हैं कि उनको कॉलेज अपना क्या चेंज करना पड़ा, जैसे कोई बच्चा एसएनटी महिला, कोई छात्रा एसएनटी महिला कॉलेज में इन फ्यूचर वो किसी अदर कॉलेज जाती है तो उस इलाके में अगर इसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो आप भी अपना देखिए किस प्रकार कॉलेज चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको आइए बताता हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी का कॉलेज जो होना, यूनिवर्सिटी सेम होना चाहिए। पहला बात प्रोसेस क्या है, कंडीशन क्या है, यूनिवर्सिटी सेम होना चाहिए। दूसरा, आप कॉलेज अलग अलग रखिए, डिफरेंट रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज अलग हो सकता है आपका लेकिन यूनिवर्सिटी क्या होना चाहिए, सेम, यानी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन तो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप सभी बच्चों को देखिए आप जिस भी सेम में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का अभी का जो सिस्टम है वो टोटल 4 साल का हो चुका है। पहले था, आप 3 साल भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तभी आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, वरना कॉलेज नहीं चेंज कर सकते। जैसे आपको सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के रिजल्ट में आपका पास होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया। यानी आपका जो फर्स्ट ईयर है, यानी पहला साल जो ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं उसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में आपका पास होना चाहिए तो ही आप दूसरे कॉलेज जा सकते हैं। क्योंकि कोई कॉलेज वाला अपना बेसिक स्टूडेंट को दूसरा कॉलेज क्यों भेजेगा, दूसरा कॉलेज क्यों एक्सेप्ट करेगा आपको, अगर आपका रिजल्ट खराब है या फिर आपका जो रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो क्यों कॉलेज आपको एक्सेप्ट करेगा। तो पहले टर्म से कंडीशन होता है कि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में लेकिन कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर में, तो सेम कंडीशन यहाँ पर उनको सेम 1 2 3 4 जो रहता है वो पूरा पास आउट होना पड़ेगा तो ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया, आप सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि हाँ पास है तो ही आप लोग जा सकते हैं अगला से मतलब दूसरे कॉलेज में, वरना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर किसी बच्चे का तो हाँ हो सकता है कॉलेज ट्रांसफर। दूसरा कंडीशन क्या है, आपको अपने कॉलेज से देखिए पहले क्या है मैं बता देता हूँ आपसे बच्चों को। देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कह सकते हैं नियम कायदे कानून चलता है। जैसे कि अगर आप बीएचयू में जाइएगा, डीयू में जाइएगा तो वहां पर क्या ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने दिया जाता है हर साल। जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, उस ऑनलाइन फॉर्म में क्या रहता है, आपको अगर किसी कॉलेज चेंज करना है तो आपने सेमेस्टर 1 2 मार्कशीट अपलोड करना है, एनओसी अपलोड करना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है, वो अपलोड कर दीजिएगा तो आपका कॉलेज ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा होगा, सुना होगा कि इस तरह कॉलेज चेंज किया सकता है, उस तरह यहाँ प्रोसेस चलता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन आता है तो, लेकिन अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी यहाँ ऑनलाइन काम तो नहीं होता होगा लेकिन वहां अगर ऑफलाइन काम होता है तो आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 रिजल्ट आने से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाके यूनिवर्सिटी जाकर पहले पता करना पड़ेगा। वहां पर कॉलेज ट्रांसफर का प्रक्रिया हर यूजीसी की जो बेसिकली कॉलेज अंतर्गत आता है यूजी करवाता है, वहां प्रोसेस रहता है कि आप सभी बच्चे अपना कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं कुछ। ये नहीं कि बिना ऐसे कोई बच्चा को दे कि सर हमें कॉलेज नहीं, वहां पर सीट्स का जो कह सकते हैं सीट्स अवेलेबल होना चाहिए, कॉलेज वाला एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्सिटी से बात करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि एक दिन में काम हो जाएगा, एक दिन तो हो नहीं सकता, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो कॉलेज ट्रांसफर के लिए बेसिक कंडीशन है। दूसरा देखिए आपको यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, सीएलसी भी लगेगा क्योंकि कॉलेज भी चेंज हो रहा है तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है। जब आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइएगा, पूछिएगा तो ही आपको देखिए बेसिक पता चलेगा, अदरवाइज आपको पूरा डिटेल्स तो, क्योंकि ऑनलाइन में काम होता है ना, ऑनलाइन में आपका एडमिट कार्ड लगता है, ऑफलाइन का बात अलग होता है। क्योंकि हर जगह ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन में क्या आप सेमेस्टर 1-2 को मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, आपका एससीएलसी अपलोड कर दीजिए, ठीक है, आपका मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दीजिए, एडमिट कार्ड लगे वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक पीरियड टाइम रहता है कि 7 से 8 दिन में आपके पास मैसेज आएगा कि हाँ सर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया, आप उस कॉलेज जा सकते हो, वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराया तो आप काम होगी। लेकिन जहां ऑफलाइन काम होता है तो आपको देखिए एनओसी सर्टिफिकेट हो गया, सीएलसी सर्टिफिकेट हो गया, सेमेस्टर 1 और 2 रिलेटेड पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी वाला खुद तो बताएगा नहीं, आपको जाके खुद पूछना पड़ेगा तभी जाके क्लियर हो पाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है ताकि आपसे बच्चे अपना कॉलेज एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैं जल्दी से कभी यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो आपसे कुछ ये भी पता कर दोगे कि क्या प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे समय नहीं है, लेकिन कभी जाऊंगा तो आपको पता करूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चे जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के जय हिंद जय भारत।